Okay, so today we are continue our topic integral. Before continuity, we have a quick review what we have done last time. So integral हमने start किया था और integral का meaning clear cut हमने क्या समझा था? Derivative को हमने कहा था कि डेरिवेटिव करता क्या है, डेरिवेटिव प्रोसेस करता क्या है, इट डिवाइड ए फंक्शन इनटू इनफाइनाइट पीसेस, यानी डीवाई को हमने कहा था द वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए फंक्शन, और इंटीग्रल को हमने कहा था कि एडिशन और सम ऑफ दोज स्मॉल पार्ट्स. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर? ठीक है, क्लियर है, ये पिक्चर बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए. उसके बाद हमने देखा था इंटीग्रल का सिंबल देखा था, एस को थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर दीजिए अपर साइड पे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल साइड से उसको कंप्रेस करिए तो आपको एक सिंबल मिलेगा जो इंटीग्रल का सिंबल होता है. एक तो सिंबल वाइज हमें क्लियर है, दूसरी चीज आपको वेरिएबल का पता कैसे चलेगा कि कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो इंटीग्रेट हो रहा है. देखो, याद रखो, डेरिवेटिव में भी वेरिएबल इंपॉर्टेंट था, किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ऐसे ही इंटीग्रेशन में वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है, राइट, दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. फिर साथ में हमने ये भी समझा था लास्ट टाइम जब भी हमारी क्लास हुई थी 17 जून को, कि इंटीग्रेशन को साथ में हम रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी मानते हैं, और ये बहुत सारी एग्जांपल लेके आपको दिखाया था क्यों ऐसा मानते हैं. उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए थे और कहा था कि कैसे आपको इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज को याद करना है. मैंने कहा था अगर आपको डेरिवेटिव रिलेशन मालूम है तो आपको ईजी होगा याद करना, ठीक है, याद है कि नहीं? यस सर, याद है. यस सर, करेक्ट. फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात हुई थी. सो वी हैव अ टू टाइप्स, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट. डिफरेंस क्या है इनडेफिनेट और डेफिनेट में? कि डेफिनेट के अंदर डिफाइन हो जाता है कि जो सम है वो कहां से लेके कहां तक करना है, तो उसमें आप लिमिट्स डिफाइन करते हो, लोअर लिमिट, नीचे वाली वैल्यू को लोअर लिमिट, ऊपर वाली वैल्यू को अपर लिमिट. आई थिंक ये यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, सो अगर नहीं मेंशन किया हुआ है सो यू शुड जस्ट ऐड देयर. इसे कहते हैं लोअर लिमिट, और इस वैल्यू को कहते हैं अपर लिमिट. ओके, दूसरा चीज इनडेफिनेट के अंदर क्या होता है, लिमिट डिफाइन नहीं होती है, ये जनरल इंटीग्रेशन है, और इसमें हमने इसकी अहमियत समझी थी, व्हाई वी नीड टू ऐड ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हियर, ठीक हो गया. उसके बाद फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कांस्टेंट मैंने समझाई दिया अच्छे से, पहले समझा दिया और एक बार रिमाइंड भी करा दिया आपको. उसके बाद आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूले कुछ याद करने के लिए दिए थे, तो कितने बच्चों को याद है भाई? एक बार सबके हाथ करते हैं नीचे, उसके बाद आप जिनको याद हो गए हैं सारे इंटीग्रल फॉर्मूले वो हाथ खड़ा कर दें एक बार. राइट, ओके, अच्छा, एक चीज और, आज से मैंने एक नया ग्रुप फॉर्म किया है और उन्हीं लोगों को उसमें आमंत्रण दिया है जो इस चीज के लिए तैयार हैं, जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं फिजिक्स की, और सीरियसली ही वो टेस्ट भी देना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, वो टेस्ट भी देना चाहते हैं. दो कंडीशनें लगाई थी, जो उसमें इंटरेस्टेड था उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे उस ग्रुप में ऐड किया जाए,
तो इस समय 20 बच्चे उसमें ऐड हो चुके हैं उस नए ग्रुप में। ग्रुप का नाम आप लोगों को पता चल ही गया होगा, द ग्रुप नेम इज 11th फिजिक्स क्लास जेई ऑब्लिक नीट। सो here in this group you will get exclusive material not only comparable, but I will say the output will be better than any national reputed institutes like LN Akash. You can compare this material and the explanation part. तो किसी भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट से आप कंपेयर करके देख लेना, यू विल गेट मोर इन दिस ग्रुप एंड इन दीज क्लासेस, राइट। एक चीज तो ये क्लियर होगी आपको। तो जो बच्चे अभी भी जिनको शायद इंफॉर्मेशन नहीं पता चली है भाई, वो अगर अब उन्हें मालूम चल रहा है तो वो जरूर इसमें रिक्वेस्ट भेजें अपनी। पहले तो मुझे इंडिविजुअल रिक्वेस्ट भेजेंगे इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, इफ दे वांट टू प्रिपेयर दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन जेईई एंड नीट, ठीक है। और याद रखिए जेईई नीट अगर आप प्रिपेयर करते हो तो सीबीएसई तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, दिस इज द बिगेस्ट टारगेट ऑफ 11th 12th क्लासेस, उसमें से सीबीएसई एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, वो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रिपेयर होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट ओवर दैट, ठीक है। ओके, एक तो चीज ये हो गई। उसके बाद आपने टेस्ट के लेवल देखे ही हैं। टेस्ट के लेवल जो हम प्लान आउट कर रहे हैं, वो इट विल बी लाइक वी प्लान आउट one time it will be of J main level, one time it will be of J advanced level. जो नीट वाले जो नीट की प्रिपरेशन सोच रहे हैं वो आप ये समझें कि J main का ही level, हालांकि एक step ahead होता है J main का level नीट से। So अगर आप J main के level को झेल लेते हो तो नीट से आप आगे ही जाओगे, और advanced तो बहुत ऊपर का level है। तो जो जिन बच्चों को लगता है वो सक्षम है कि वो एडवांस भी साथ में पढ़ सकते हैं, देयर इज नो हार्म, बिकॉज आई फील एडवांस लेवल प्रिपरेशन इज द बेस्ट लेवल प्रिपरेशन, नॉट ओनली फॉर क्रैकिंग एग्जाम बट फॉर गेनिंग द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, आपको सिर्फ एंट्रेंस क्रैक करना है, अगर ये एम है तो आपकी नॉलेज पीछे रह जाएगी जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। और अगर आपको एक सब्जेक्ट पे मास्टरी चाहिए तो उसके लिए आपको एडवांस लेवल पे चलोगे औरों के साथ चलोगे, तो नीट वाले बच्चे जो सबसे टॉप मोस्ट हाईएस्ट रैंक है उसकी उसको टारगेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये आपको बेनिफिट रहेगा बेटा। तो इस प्लेटफॉर्म को हम सभी बच्चों के लिए यूजफुल बनाना चाह रहे हैं, जो कुछ भी करना चाहे फिजिक्स को लेके, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे मेडिकल, चाहे आगे किसी ने आईएएस देना है, वहां भी आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा जो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो हर तरीके से बेनिफिट ही है, नुकसान किसी भी तरीके से नहीं है। और साथ में कंडीशन क्या लगाई थी भाई ग्रुप में, सबको याद है, एक बार रिमाइंड करा दूं मैं, जो बच्चा सीरियस नहीं होगा, बिकॉज आई एम द ओनली एडमिन इन दिस ग्रुप, सो आई हैव फुल अथॉरिटी टू रिमूव यू। हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर विद दिस, रेज योर हैंड। ठीक है, इसका ख्याल रखें, आपकी नॉन सीरियसनेस कहीं से भी नहीं आनी चाहिए, यू शुड बी सीरियस, उन्हीं के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। एक तो ये चीज हुई। अच्छा, कोई क्लास नहीं लगा पा रहा है तो वो मुझे प्री इन्फॉर्म्ड करेगा इस वजह से वो नहीं लगा पा रहा है, और वो एंश्योर करेगा रिकॉर्डिंग को, और वो सारे टेस्ट को भी एंश्योर करेगा, वो सभी टेस्ट को देगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें?
किसी को नहीं। आपने देखा होगा YouTube की प्लेलिस्ट में आपको डीपीपी की एक प्लेलिस्ट मिली है, आप में से कितने लोगों ने देखी वो प्लेलिस्ट? अभी तक मेरे ख्याल से तो मोस्टली ने देख ली होगी। सो आई हैव मेड सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर द डीपीपी आई एम गिविंग टू यू, दैट वन डीपीपी इज गिवन टू यू। तो वो डीपीपी का एक्सेस आपको डायरेक्टली वहां से डायरेक्टली मिल जाएगा। कभी भी आपको कोई डीपीपी रेफर करनी है तो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाओ और वो डीपीपी नंबर सर्च करो और वहां देखो, ठीक है? इट इज वेरी इजी। सो चलिए, वो तो सब बता दिया मैंने। तो उस ग्रुप में ये आपको फैसिलिटी है कि फिजिक्स से रिलेटेड आप कोई भी डिस्कशन वहां कर सकते हैं, उसके अलावा फालतूगिरी वहां नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? किसी को किसी का क्वेश्चन का सलूशन चाहिए तो वो ग्रुप में हेल्प ले सकता है, मुझे इसका सलूशन किसी के पास है तो वो डाल देगा। ऐसे ऐसी कम्युनिकेशन आप कर लीजिए, देयर इज नो इशू, ठीक है? और कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड बात करने के लिए आप उस ग्रुप में डील कर सकते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली पहले ग्रुप में रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, उसमें बहुत लोग जुड़े हुए थे जो शायद वो चीजें उनके काम की नहीं थी, दैट्स व्हाई आई हैव फ्रेम्ड ए न्यू ग्रुप, ठीक है? बात आ रही समझ में? सो दैट यू, जब तक आप आपस में बात फिजिक्स से रिलेटेड ज्यादा नहीं करेंगे तब तक आप ज्यादा यूज नहीं उठा पाएंगे। मेरी बात आ रही समझ में बेटा? यस सर। हाँ ओके, तो अब बढ़ते हैं जो हमारी डिस्कशन चल रही थी कि फॉर्मुलेस की। आपको फॉर्मुले याद हो गए, फॉर्मुले के अंदर जो यू वाला फैक्टर है वो भी लगाना आ गया आपको। तो अब एक काम करिए, एक दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ हल्के हल्के से, जरा उनके जवाब आप लिखिए। सो व्हाट विल बी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, मुझे एक डाउट है। बोलो सर। जब हम x to the power n का पावर इंटीग्रेशन कर रहे थे तो सर आपने एक एग्जांपल मेंशन किया था sin स्क्वायर x dx, तो सर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? sin स्क्वायर x dx का? यस सर। हाँ हाँ, आज करेंगे बात, इसी की हम बात करेंगे आज, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, क्लियर? अभी मुझे ये बताइए, जिन बच्चों को लगता है दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड वो लिखें यस, जिनको लगता है नो वो लिखें नो। इज दिस एक्सप्रेशन वैलिड? चैट बॉक्स में लिखें। So mostly saying no. Very good. Correct. भाई बाकियों ने क्यों नहीं जवाब दिया? 12 लोग joined हैं यहाँ पे, सिर्फ no। Sir मैं disconnect हो गई थी, अभी join हुई। Okay. तो मेरे पास no आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात लोगों को के no आए हैं भाई। 12 लोग आप joined हो तो सभी के जवाब आने चाहिए। आइदर यू शुड हैव आंसर यस नो, या फिर अगर आप यस नो नहीं डिसाइड कर पा रहे तो ये लिख के बताओ सर नॉट एबल टू डिसाइड, ताकि पार्टिसिपेशन फुल होनी चाहिए। गेटिंग? ठीक है,
और मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने प्रीवियस क्लास इंटीग्रेशन की नहीं लगाई है, जिसने डेरिवेटिव नहीं लगाई है, उस बच्चे को बेटा बहुत मुश्किल है समझना ये वाली क्लास। प्रतीक्षा, आपने डेरिवेटिव की क्लास लगाई है? नो सर। तो आप पैरेलली आप डेरिवेटिव से फर्स्ट लेक्चर से शुरू करके उसको कंप्लीट करो, ठीक है? और साथ में इसका इंटीग्रल का फर्स्ट लेक्चर भी देख लेना, 17 जून वाला, ठीक है? तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा, उसके बाद जैसे जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर? यस सर। सो नाउ द आंसर इज करेक्ट, नो। इसका जवाब है नो। क्यों? रीजनिंग क्या है इसकी बताइए, एनीवन? सर बिकॉज हमें ये नहीं पता कि हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये यानी कि इंटीग्रल इज वैलिड ओनली इफ देयर इज समथिंग विद रिस्पेक्ट टू बाय विच वी हैव टू इंटीग्रेट। अच्छा, तो कुछ टाइम के बाद हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे इंटीग्रेशन का। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंटीग्रेशन में इसका क्या निकलेगा, थोड़ा एडवांस में बता रहा हूँ, तो उससे ये चीज और कनेक्ट हो जाएगी। इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व, और आपको मालूम होना चाहिए एरिया, एरिया निकालने के लिए आपके पास कितनी चीजें होनी चाहिए। एरिया करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए ना आपके पास प्रोडक्ट में। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस सर। एरिया का हमेशा यूनिट स्क्वायर फॉर्म में आता है, यानी आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, यहाँ पर एक ही चीज है, इसलिए दूसरा चीज यहाँ जरूर वैलिड होना चाहिए। तो इसलिए उस लिहाज से भी ये इनवैलिड एक्सप्रेशन है। क्लियर? अब मेरा दूसरा सवाल, इज दिस एक्सप्रेशन वैलिड जो मैं सामने लिख रहा हूं? सिर्फ मैंने साइन एक्स लिखा, सर स्क्रीन पे कुछ नहीं आया। यस सर। मेरी स्क्रीन पे तो आ रहा है। ओके, किस किस की स्क्रीन पे आ रहा है? क्वेश्चन नंबर टू, रेज योर हैंड। किसी के नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर वन आया है? यस यस सर। यस सर। और टू नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया? चलो इसको, सो एवरीवन सेइंग यस, करेक्ट, ये भी जवाब सही है। क्वेश्चन थ्री, इज इट वैलिड दिस? क्वेश्चन थ्री के बारे में बताओ, इज इट वैलिड? सर नहीं आया। सर आ गया, फोर भी आ गया सर। सपोर्ट भी आ चुका, ठीक है? तो थर्ड और फोर्थ का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर डाल के दी तो मुझे पता चलता कि फोर यस है ना, थ्री यस और फोर यस। ओके गुड, वेरी गुड। अनमोल सेइंग फोर इज नॉट वैलिड, व्हाई अनमोल? सिर्फ पूरा आया था, तब सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स लिखा था उस इंटीग्रेशन में। ओके ओके, सो मैं इसलिए वो डीएक्स लिखा नहीं था सर तब मेरे पास। ओके
यस वैलिड. और ये भी वैलिड है. चलो ये तो पहचान होगी आपको क्या वैलिड है क्या नहीं वैलिड है. चलिए गुड. अब सिंपल सा ये करके दिखाओ. पांचवा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx, इसका क्या आंसर होगा. इसको आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो इसका आंसर. सर कांस्टेंट कंसीडर करना है. चलो उसकी गलती मैं मानूंगा नहीं अगर आप कांस्टेंट साथ में लिखो या ना लिखो. ठीक है उसकी उसकी गलती मैं नहीं मानूंगा. बट यू शुड नो दैट इन इनडेफिनेट में सी ऐड करना चाहिए. ठीक है कर दो तो बहुत अच्छी बात है. हो गया सभी का. सो वी आर गेटिंग 2x/2. रूपा आपका गलत हो गया. रूपाली करेक्ट. समीक्षा करेक्ट. अनमोल का भी गलत हो गया. अनमोल साइन एक्स का इंटीग्रल तो कॉस की फॉर्म में ही आएगा. आप तो साइन में लिख रहे हो. यस सर गलती से लिख दिया सर. अब से आंसर भेजा सर. वागेश आपने वो 2x को वो नहीं किया डिफरेंशिएट नीचे. भूल गए वो du by dx नीचे करना होता है. नहीं सर मैंने बाद में आंसर लिखा है. अरे बाद में क्यों सही हो रहा है पहले क्यों नहीं सही हुआ. ठीक है टाइपिंग मिस्टेक हो गई. चलो कोई बात नहीं. दिव्यांशी करेक्ट. वेदिता करेक्ट. बस थोड़ा वेदिता लेट भेजा आपने. इतना डिफिकल्ट नहीं था ये. सो द आंसर इज -cos 2x. और du by dx किसका करोगे आप. यहाँ u किसको मानेंगे. 2x को. तो क्या आंसर आएगा. देखो मैं भी ना एडिंग कांस्टेंट अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन फोकस है आपको इंटीग्रेशन सिखाना. क्लियर. ओके एवरीवन. यस सर. यहाँ पे yes, आपका आपका ये फाइनल आंसर बनेगा. और अगर लास्ट में याद रहा तो हम ऐसे अगर लिख भी दें तो ये बहुत अच्छी चीज है. खराब चीज नहीं है ये. अच्छी बात है सी लास्ट में फाइनली लिखना. क्लियर. नाउ याद रहेगा तो लिख देंगे नहीं तो भाई याद रखना कि वो बस हम अवॉइड कर रहे हैं लिखना. ये दो चीजें हैं सी के बारे में. इम्पोर्टेंस हम पहले समझ चुके हैं. चलो अगला क्वेश्चन. इफ यू हैव यू raise to power -2x dx. अब इसका कोई गलत ना करे और जवाब दे मुझे जल्दी. तो इसका जवाब है सबसे पहला जवाब आया है रूपाली की तरफ से. रूपाली e की पावर लिखने में गलती कर दी. e रेस टू पावर -2x आना था ना सर. लेकिन मैंने उसको डिवीजन में कर दिया ना. वो देखो तो -1/ किया है. अच्छा आपने नीचे ले गए. अच्छा yes, sir. वो थोड़ा लिखने में वो यहाँ दिक्कत आ जाती है ना कि मैं उसको जरूरी नहीं डिवीजन में मानूं. मैं उसको ऊपर भी मान सकता हूँ. चलो ठीक है. बाकी नीचे -2 आएगा. नीचे -2 आएगा तो आपने क्या किया.
नहीं मैंने पहले ही माइनस वन किया ना तो माइनस ऊपर चला गया। ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है भाई भाई बाकी मिला लो यहाँ से देखने में दिक्कत आ रही है। तो इसका जवाब होना था ये तो हो गया पावर आपकी कितनी होगी यू होगी माइनस टू एक्स तो इसका क्या होगा ई माइनस टू एक्स डिवाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। रूपा डी यू बाई डी एक्स किसका होगा रूपा जल्दी बताओ ब्रैकेट में माइनस टू एक्स। हाँ माइनस टू एक्स आएगा बहुत अच्छे तो इसका बचेगा माइनस टू प्लस सी बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लो जैसे भी करना चाहते हो दिस इज आंसर क्लियर। चाहे सी लास्ट में लिखो या कैसे भी लिखो देर इज नो इशू बार बार कह रहा हूँ मैं सी का इशू मत बनाना ठीक है। अब चलो ये चीजें अब ये वाली तो डायरेक्ट है ये आपसे हो रही है ठीक है ये तो आप कर लोगे और फॉर्मूले भी आपको याद हो गए हैं। अब एक और याद रखना जो काफी यूजफुल है ये कह लो रूल ही कह लो रूल ऑन इंटीग्रल्स के अंदर शायद मैंने ये पहले भी एक लिखवा दिया हो इसमें से कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल आ जाए तो आप बाहर किसको निकालोगे कांस्टेंट को। इसको मैंने एक बार और रिपीट कर दिया रूल ऑफ इंटीग्रेशन में। सेकंड अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन इस तरीके से आ जाएं तब आप इसको कैसे करोगे इसके लिए आपको रूल जानना जरूरी है। जैसे याद है डेरिवेटिव में क्या करते थे इंडिविजुअल का डेरिवेटिव करते थे ना यस सर। ऐसे ही इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन यस सर। सो यू भी एक को डब्ल्यू मानना होगा। सो एवरीवन क्लियर विद दिस रूल कि इंडिविजुअल का इंटीग्रल कर देना है। अब उसके बाद इन दो रूल के साथ ही हम एग्जांपल शुरू करते हैं इसकी। पहली एग्जांपल ले रहा हूं मैं वी हैव ए नाउ सॉल्व एग्जांपल्स ऑन indefinite integrals। example number 1 so if I have expression x square minus 5x plus 7 dx to dekh ke iska meaning kya hai we have to integrate this bracket with respect to x to kaun sa rule lagega jo abhi likha hai aapko यस सर। दिस इज द वन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो एक्स स्क्वायर डीएक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर डीएक्स का एक्स क्यूब अपॉन थ्री फाइव बाहर एक्स डीएक्स सेवन बाहर डीएक्स। थोड़ा सभी को ठीक से समझ में आ जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप जैसे यहाँ बढ़ा दिया मैंने पर आप चाहते तो सीधा फाइव बाहर निकाल के इसका क्या लिख सकते थे एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है सो कई बार स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि सभी को इजीली समझ में आ जाए तो इसका क्या आएगा। पर अगर आपको समझ में आता है जैसे जिन बच्चों को यहीं पे समझ में आता है लिखना तो वो एग्जाम में टेस्ट में जरूरी नहीं है सारे स्टेप आप लिखें। ठीक है जहां तक आप कंफर्टेबल हो वैसे लिखें आप। क्या आएगा इसका एक्स स्क्वायर बाय टू यस सर और ये सेवन एक्स बस। ठीक है इसके साथ सी ऐड कर दो कंप्लीट हो गया। कितने लोगों को समझ में आ गया इजी था तो आप अब मुझे ये करके बताओ एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स इसका क्या होगा आंसर
x cube upon 3 minus 2x. चलो करेक्ट है. x क्यूब बाय 3 माइनस 2x प्लस सी. एग्जांपल 3. अब एग्जांपल 3 आ गई. मान लीजिए 1 प्लस x क्यूब अंडर रूट एक्स डीएक्स. अब ये बताओ, पहले ओरल बताओ किन किन को लगता है इस एक्सप्रेशन को देख के उनसे ये हो जाएगा. रेज योर हैंड. हाँ वागेश, आप बताइए कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे इसको. कंपोजिट फंक्शन वाला तो हम ऐसे u वाला फार्मूला लगा के कर सकते हैं, और जिसमें अंडर रूट x को सर हम. आवाज आपकी कम आ रही है बेटा, माइक पे बोलिए. सर इसमें हम कंपोजिट फंक्शन वाला जैसे u लगा के कर सकते हैं. अच्छा अनमोल कैसे करेंगे. सर इसमें हम क्या करेंगे, पहले ही जो एक एक्सप्रेशन है ऊपर से सॉल्व करेंगे. ओके एंड देन जो हमारे पास x है ना, हम x की पावर इसमें 1 - 1/2 ले लेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे, देन उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सब सबके साथ, देन फिर उसको इंडिविजुअल जो ऊपर हमने रूल लगाया है ना प्लस माइनस प्लस वाला रूल उससे सॉल्व करेंगे. ठीक है, सही बताया. पहले जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए आप कोशिश करिए इसको पहले सिंपलीफाई करने की. ठीक है सर, हो गया. गुड. तो आप इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, पहले तो ऊपर लगा दो आप a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला. सो 1 क्यूब a क्यूब b क्यूब 3 a स्क्वायर b और 3 ab स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला. यस सर. अब इसको फर्दर और क्या सिंपलीफाई होगा, ये 1 बाय x हाफ x क्यूब बाय x हाफ 3x by x half और 3x square by x half और ब्रैकेट लगा के dx, क्योंकि dx तो पूरे का एक्सप्रेशन है इसलिए ब्रैकेट यूज करिए. अब उसके बाद इसको ऊपर ले जाओ, dx अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस हाफ हो जाएगा, 3x1 में से माइनस हाफ होगा कितना बचेगा प्लस हाफ, और 2 में से माइनस हाफ कर दो. अब बताते जाओ ये इसका क्या होगा, पावर इंटीग्रेशन ना, माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, ये बच गया आपका 5/2. 5/2 का क्या हो जाएगा,